रोनित और संगीता की जोड़ी। कहानी स्वरण और कवलजीत की। नया सीरियल, नए किरदार। इसे कहते हैं इश्क और मोहब्बत। जब तक मैं इनके माइक से नहीं बोलूंगा तब तक मेरी आवाज अब तक नहीं। सास बहू और बेटियां पहुंच गया है चंडीगढ़ कलर्स के नए सीरियल स्वरण घर के लिए। इस सीरियल में आपको नजर आएंगे रोनित रॉय और संगीता घोष, जिनकी पहली बार बनी है टेलीविजन पर जोड़ी, और ये दोनों एकदम अलग अंदाज में है। इतनी बेबसी सिर्फ इसलिए हमने किया अपने बच्चों से प्यार, एक पल न सोचा कभी नफा नुकसान, खरीदी हर खुशी, लुटा दी तुम बेजान। इस बार तो चार आएंगे। कहानी है स्वरण की, परिवार की, बच्चों की, माता पिता की। डिवोर्स लेने? इतने सालों का रिश्ता कैसे छोड़ते हैं? जी FIR लिखवानी है हमारी माँ के खिलाफ। पर तलाक कवल, दुनिया क्या कहेगी? हम पहले थोड़ी हैं जो तलाक मांग रहे। पर हम पहले ही तो हैं जो अपने बच्चों से तलाक मांग रहे हैं। वैसे आपको बता दे कि इस सीरियल के प्रोड्यूसर हैं रवि दुबे और सरगुन मेहता, जो सीरियल उडारिया के बाद अब एक और नया सीरियल लेकर आ रहे हैं, और वो है स्वरण घर। मेरे और आपके ही तरह स्वरण घर भी गुजर रहा है इसी दौर से, पर क्या स्वर्ण और कवल समझ पाएंगे अपने बच्चों को? देखिए स्वरण घर। क्या ये जनरेशन, क्या आगे बढ़ने की होड़ में अपने माता पिता को पीछे छोड़ देना, उनके आदर्शों को पीछे छोड़ देना, उनके संस्कारों को पीछे छोड़ देना, उनके भाव को पीछे छोड़ देना, ये जनरेशन गैप है? अगर ये जनरेशन गैप नहीं है तो जनरेशन गैप है क्या? निस्वार्थ होकर के माता पिता जीवन भर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उनको बड़ा करते हैं, पर जब उनको उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो उनकी परछाई तक उनके साथ नहीं है। उनका काम, उनका करियर, उनके आगे बढ़ने की चाह, दुनिया में खुद को साबित करने की चाह, वो प्रेसिडेंस ले लेती है, और माता पिता जिनकी वजह से सब कुछ है वो थोड़ा पीछे चले जाते हैं। तो इसी जगदोजहद, तो इसी जो ये शब्द है जनरेशन गैप, इसके मायने को ढूंढते हुए स्वरण घर की रचना हुई है। चंडीगढ़ में ही है सीरियल का सेट, और शो से जुड़े सभी कलाकार चंडीगढ़ में ही रहेंगे और वहीं शूटिंग करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखा संगीता और रोनित का एक अलग ही अंदाज, तो आइए इन्हीं से ही जानते हैं कहानी और किरदार के बारे में, यानी कि कवल और स्वरण की कहानी। तो आज की गुड न्यूज ये है कि टीवी पर एक ऐसी जोड़ी आने जा रही है जिनको आपने अलग अलग कहियों में रूपों में देखा होगा, लेकिन पहली बार ये सोने से भरा एक ऐसा एक घर लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है स्वर्ण घर। तो मेरे साथ हैं टीवी के दो ऐसे दिग्गज चेहरे जिनको देखकर ढेर सारी कहानियाँ, कहीं जान निकल रहा होगा, कहीं कसौटी लोगों को ध्यान में आ रही होगी, लेकिन वो सब भूल जाइए क्योंकि अब आपको मैं लेके चल रहा हूँ स्वर्ण घर में, जहाँ पर ये दोनों एक सोने की दुनिया दिखाने जा रहे हैं। तो नाम तो रोनित रॉय सर एंड संगीता मैम एक साथ स्वर्ण घर में नजर आ रहे हैं। तो रोनित सर, स्वर्ण घर सुनते ही मुझे ऐसा लगे कि सोने की दुनिया में पहुंच गया हूं। द नेम साउंड सो पॉजिटिव, एंड चंडीगढ़ में हम हैं जहां पर शूटिंग हो रही है, बॉम्बे से थोड़ा अलग, तो इट लुक्स वेरी डिफरेंट एंड वेरी वेरी स्पेशल। इट इज डिफरेंट एंड इट इज एक्सट्रीमली स्पेशल। द शो इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट एंड आई एम श्योर, I'm not sure, I know very close to her heart also. Also the magic that has, I think, just naturally occurred between the both of us, that makes it even more special. And I'm just grateful and very happy and very proud to have got this part. पहली बार ऐसा होगा आप दोनों साथ काम कर रहे हैं अलग अलग, या कभी ऐसा वाक्य हुआ? संगीता, आई थिंक रोनित सर के साथ पहली बार काम किया है, आई मीन यू बीन बीइंग पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री, आई थिंक पहली बार ऐसा हुआ है? ऑलमोस्ट पहली बार। यस, वी हैव बीन पेयर्ड टुगेदर फॉर द फर्स्ट टाइम, और ऑलमोस्ट और पहले क्यों नहीं हुआ ये सवाल अलग है, पर हुआ
और ये अच्छी बात है और बहुत ही मतलब जैसे इन्होंने कहा है जो कनेक्शन हम बना पाए हैं कभी वो लगता ही नहीं रौनित है और संगीता है, ऐसे लगता है कि स्वरण और कवल एक साथ है, एक ही घर में उनकी आपसी नोक झोंक और जो भी है उनकी ज़िंदगी साथ जिए हैं, साथ बैठ के खाते होंगे, साथ डिसीजंस लेते होंगे, साथ टाइम स्पेंड करते होंगे और ये बहुत स्पेशल है, ये हर किसी के साथ होता नहीं है। वो जब तक आप वो बिल्ड करते हो यू हैव टू यू नो पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट, लेकिन हमारे केस में ऐसा हुआ नहीं, इट जस्ट हैपेंड नेचुरली। हमारा देश बड़ा ही स्वर्ण भरा है, आप दोनों बंगालीज होते हुए भी पंजाबी किरदार इतनी खूबसूरती से निभा रहे हैं कि लगता ही नहीं कि मतलब यू इज़ अ रोनित रॉय एंड यू आर संगीता घोष, यू लुक लाइक पंजाबी एंड आई थिंक पम्मी का कैरेक्टर तो मतलब पीपल अज्यूम दैट यू आर अ पंजाबी। ये तो फुल पंजाबी हो गए, मतलब पंजाबी भाषा में बात भी कर रहे हैं सब कुछ और मुझे और बाकी बहुत सारे लोगों को इनको याद दिलाना पड़ता है हिंदी सीरियल है, पर ये लगे हैं डटे हैं कि नहीं मुझे तो पंजाबी सीखना है, बोलना ही है। So he is doing a fantastic, brilliant job. He inspires us. I have not told him on his face, but yeah, it's very inspirational. Just did. Thank you. You're most welcome, Bedi sahab. वैसे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में संगीता ने अपनी माँ को फोन लगाया और उन्हें कहा, I love you. Hello. Hello. Hi, ma. Hello. सुनते पाच्चो? आऊंगी जल्दी मिलने माँ, मुझे पता है बहुत महीने हो गए हमने एक दूसरे को देखा नहीं और मिले नहीं है, आऊंगी जल्दी। ठीक है माँ, मैं रखूँ, तबीयत ठीक है ना? सब अच्छा चल रहा है माँ, बाद में बात करूँ, ठीक है माँ? यहाँ बहुत लोग तुमको सुन रहे हैं माँ, बहुत लोग तुम्हें सुन रहे हैं यहाँ पर मीडिया से, ऑल इंडिया प्रेस सुन रहे हैं आंटी जी आपको। और ये रौनित बोल रहे हैं, रौनित माँ के हाथों में ना बड़ी बरकत होती है, मेरे बच्चों को कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। स्वरण की जान बसती है अपने तीनों बेटों में और स्वरण की बेदी साहब यानी कवलजीत बेदी की जान बसती है अपनी स्वरण में। शो में भी यही दिखाया जाएगा कि कैसे आपको अपने मम्मी पापा का ख्याल रखना है, उन्हें अकेले नहीं छोड़ना है। तो रौनित और संगीता से ही जानते हैं उनके किरदार, चंडीगढ़ में शूटिंग और एक दूसरे के साथ काम करने के एक्सपीरियंस के बारे में। बॉम्बे से बाहर अभी एक नई शुरुआत मतलब पहले सरगुन और रवि ने की, आई थिंक बॉम्बे से बाहर जो सीरियल शूट हो रहे हैं कहीं ना कहीं यू नो एक अच्छी शुरुआत है, मैं बोलूँगा कि यहाँ पर चंडीगढ़ में शूटिंग हो रही है। एक्टर्स को आई एम श्योर थोड़ी मुश्किलात आती होंगी, परिवार से दूर रह रहे हैं लंबे शूटिंग आर्स, पर क्या लगता है चंडीगढ़ में शूटिंग करना कितना अलग है मुंबई से? यू आर तो बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई, रौनित सर ऑल्सो हैज अ फैमिली, सो मतलब यहाँ दूर रह के कितना मुश्किल है? या दूर रहना परिवार से मुश्किल है, बहुत मुश्किल है और आप मिस करते हैं उस कंपनी को, वो एक आपका कंफर्ट जोन है, आपकी फैमिली, जब आप वापस घर आते हो उनके मुस्कुराते चेहरे देखते हो। पर हम वीडियो कॉल कर रहे हैं, मुश्किल है, हम कोशिश कर रहे हैं, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरे परिवार वाले यहाँ आए, कुछ वक्त बिताए या जब भी मुझे वक्त मिले मैं जा सकूँ। पर बॉम्बे की भागदौड़ से मैं दूर हूँ, मुझे उस बात की भी खुशी है। बॉम्बे में अभी जैसे कि आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई और बहुत प्यार है बॉम्बे से, लेकिन अब मुझसे थोड़ा सहन नहीं होता क्योंकि जब काम पे पहुंचना होता है आप यू आर फाइटिंग विद सो मेनी थिंग्स, विद ट्रैफिक, विद यू आर नॉट एट पीस, आई एम नॉट एट पीस, एटलीस्ट मे बी इट्स माई ड्रॉबैक, लेकिन मैं खुश हूँ कि मैं यहाँ शांति से आराम से शूटिंग कर रही हूँ। फैमिली को मिस कर रही हूँ, ये एक बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल है, एंड आई एम होपिंग दे विल जॉइन मी सून। रौनित सर आप तो इतने बिजी रहते हैं, फिल्में भी हैं, ओटीटी शोज भी हैं, उसके बीच में चंडीगढ़ का ये पूरा, सो हाउ डू यू थिंक इज डिफिकल्ट फॉर एन एक्टर टू लिव फ्रॉम द बेस फॉर सो लॉन्ग? सी द लकी पार्ट आई थिंक फॉर मी इज दैट हूएवर आई एम वर्किंग विद, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम आई एम वर्किंग विद वायाकॉम, द पीस आई हैव वर्क्ड विद देम बिफोर एंड गोइंग टू वर्क विद देम अगेन इन द फ्यूचर। So I'm lucky that everybody who I work with
where you know whether it's the films or the OTT, एक legend बन गया है मेरे बारे में कि date तो नहीं होंगे तो नहीं it's just something that has happened by itself. तो I'm lucky that people understand that ये role it's short but उतने कम समय में बहुत बड़ी बात बोल जाता है ये character and you know it's just wonderful. I get very emotional when I'm speaking about this role. So कुछ तो है. Kawal Bedi is going to be an iconic character, one of a kind. I fell in love with Kawal Bedi the moment I heard, जिस तरीके से सरगुन ने इसे बताया था मुझे और नरेट किया था, मैंने कहा स्वरन तो ठीक है समझ में आ रहा है पर ये कवल क्या चीज़ है यार. So I was moved by Kawal's character. It's beautifully written and he has even done it beautifully. उम्मीद करते हैं कि स्वर्ण और कमल की जो जोड़ी है एक अनोखी कहानी स्वर्ण घर में दिखाई जा रही है, दर्शकों को पसंद आए. आई एम श्योर कि ये जो इतनी पॉजिटिव वाइब्स हैं दर्शकों को पहुँचे, कुछ अलग जो प्रयास हो रहा है इस शो के द्वारा वो लोगों तक पहुँचे. आपको बहुत बहुत बधाई. बोथ आर लुकिंग ब्यूटिफुल, वंडरफुल, द केमिस्ट्री इज अमेजिंग एंड ऑल द बेस्ट ऑलवेज एंड यू बोथ रॉक. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. जाते जाते क्या कहेंगे आप दोनों? फैन से कहूँगा, पंजाबी में कहूँगा कि जिन्ना तुसी मैनू प्यार करते हो उससे ज़्यादा, थोड़ा माफ़ कर देना, उससे ज़्यादा मैं तोनू प्यार करता तो हमारा शो स्वरण घर आ रहा है 28 फरवरी ते कलर्स चैनल ते, तुसी वेखना जरूर. वेखना जरूर जी, जरूर जरूर. इस सीरियल के प्रोड्यूसर रवि दुबे ने सास बहू और बेटियां से की खास बातचीत, जिसमें उन्होंने बताया कि क्या खासियत है शो की और कैसे पड़ा सीरियल का नाम स्वर्ण घर. स्वर्ण घर लेकर आ गए हैं रवि. और रवि मतलब एक्टिंग, आप प्रोड्यूसर, राइटिंग तो सरगुन कर ही रही है और सारी चीज़ें आप उडारिया देख ही रहे हैं कितनी उडारिया हाइट्स पे है. आप स्वर्ण घर लेकर आए हैं तो कितना अलग होने वाला है और ये कहानी, थोड़ी रोशनी डाले इस पर. कहानी की थोड़ी सी झलक तो आपको मिली गई इसके अंदर ही, आपने जो प्रोमो देखा है उसके अंदर. बाकी की जो पूरी कहानी है वो अनरावल होनी शुरू हो जाएगी 28 फरवरी से, मंडे टू फ्राइडे 8:30 PM. और बहुत स्पेशल है मेरे और सरगुन के लिए ये शो, बहुत लेवल्स पे बहुत स्पेशल है. सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी नानी माँ का नाम स्वर्ण बेदी और नानी माँ सरगुन की नानी हैं और मुझसे बहुत ज़्यादा क्लोज थी. अनफॉर्चुनेटली शी इज़ नो मोर, बट इससे बेहतर ट्रिब्यूट उनको नहीं हो सकता जो सरगुन ने दिया है. सो वी आर वेरी हैप्पी एंड वेरी प्राउड दैट वी हैव द ब्लेसिंग्स ऑफ आर एल्डर्स, आर एंसेस्टर्स विद अस. एंड वो चीज़ आपने, वही चीज़ है जो हमें आगे लेकर के जा रही है, उस वही चीज़ है जिसने उडारियां को भी सक्सेसफुल बनाया. या फिर आप अभी मत्स्यकांड की बात कर रही थी, उसको सक्सेसफुल बनाने वाली चीज़ भी वही आशीर्वाद है. सरगुन की फिल्मों को चलाने वाली चीज़ वही आशीर्वाद है और स्वर्ण घर में भी मैं जानता हूँ कि हमारे एंसेस्टर्स का आशीर्वाद हमारे साथ है. कितना अगर कैसे दिमाग में आया कि जैसे उनकी ब्लेसिंग्स तो हमेशा साथ में रही है पर कि उन पर अब एक सीरियल, मतलब उनकी कहानी रहेगी, क्या रहेगा? मतलब कहानी उनकी नहीं है, किरदार का नाम वो है. कहानी हम सबकी है एक तरीके से, क्योंकि जनरेशन गैप एक ऐसी चीज़ है जो हमने कभी ना कभी किसी ना किसी कॉन्टेक्स्ट में अपनी लाइफ में अनुभव करी है. और उसको हमने, जैसा मैंने कहा कि कभी हमने उस टर्म का इस्तेमाल भी किया है खुद को जस्टिफाई करने के लिए, लेकिन ये कहानी किसी एक इंसान की है नहीं और हो नहीं सकती. ये कहानी बस यू नो इस फिनोमेना की है या उस मनमुटाव की या मतभेद की है. जिंदगी में एक कभी ना कभी ये इस तरीके की घटना घटी होगी, जिनकी नहीं घटी है वो 10-1 साल में घट जाएगी. सो जैसे हम कहते हैं ना, वो साइकिल के दो पहिए की तरह ही हम चलते रहते हैं. सो सरगुन हैज लाइक आई सेड रिटन द शो. शी इज मतलब इफ आई एम द आर्म्स एंड लेग्स ऑफ ड्रीमी आता एंटरटेनमेंट, शी इज़ द हेड एंड हार्ट ऑफ इट. तो उसका दिल और मन सरगुन ही है एंड बाकी डायरेक्शन वगैरह नहीं ऐसा कोई हाथ आजमाने की जरूरत नहीं है, अभी फुर्सत ही नहीं है कुछ और करने की. वैसे इसी के साथ
सीरियल में और भी कई किरदार हैं। कवल और स्वरण के तीन बेटे अजय सिंह चौधरी जो निभा रहे हैं अजीत लांबा का किरदार, और कहानी बेटी परिवार के इर्द गिर्द ही घूमेगी। सास बहू बेटियां पहुंच गए हैं चंडीगढ़, और हमारे साथ में है बेदी ब्रदर्स, तीनों आज यहाँ इकट्ठे हैं। ये देसी बॉयज क्या कर रहे हैं यहाँ पर, सुखना लेक पर है? हम यहाँ पर सुखना लेक पर आज शूट करने आए हैं, और चंडीगढ़ की सारी जितने भी ब्यूटीफुल लोकेशंस हैं उनको कवर करने के लिए, और ये एक बहुत ही अच्छी लोकेशन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सो वी आर शूटिंग हियर टुडे। एक एक करके बड़ा कौन है, छोटा कौन है, मिलवा दीजिए। ये हैं बड़े भैया नकुल भैया, नकुल बेदी सबसे बड़ा भाई, सबसे प्यारा भाई, इन दोनों के लिए भी, मम्मी पापा के लिए भी। ये बीच वाले भाई हैं हमारे विक्रम बेदी। विक्रम, आई एम प्लेइंग विक्रम बेदी एंड आई एम युग बेदी, मैं सबसे छोटा भाई प्ले कर रहा हूँ, सबसे नॉटी वन। तो सबसे ज्यादा नॉटी तो है ये, सेट के बाहर भी है? दोनों आप बोल सकते हो कि दोनों साइड सबसे ज्यादा नॉटी मैं हूँ, सबसे ज्यादा मस्ती मैं ही करता हूँ, और जो सबसे ज्यादा किसी में एनर्जी है तो वो हमारे बीच वाले भाई हैं, जो पूरे टाइम हाई रहते हैं, जस्ट लाइक रणवीर सिंह। जब हम लोग परफॉर्म करना स्टार्ट किया, उन्होंने वो आती जो फ्रेंडली वाइब, होमली वाइब दिखाई, और वो प्यार से सीन कराया, पुत्र तुम ऐसे करो, पुत्र तुम ऐसे करो, तो वी वर सो हैप्पी डूइंग सीन्स विद हिम। एंड अभी ज़्यादा सीन्स उनके साथ हुए नहीं, स्टिल वी आर फीलिंग सो ग्लैड कि वी गॉट टू वर्क विद रोनित सर। एंड माँ माँ आई हैव सीन अ परफॉर्म, शी इज़ माइंड ब्लोइंग, शी इज़ जस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, एंड I have no extra words to say about her, but no, she is the best. But हाँ, अभी तक हम वो दोनों इतने ज़्यादा charming और इतने ज़्यादा handsome, जैसे सर इतने handsome हैं, मैम इतनी beautiful, हम अभी तक मम्मी पापा उससे वो नहीं हो पा रहे हैं। हम भी सर आते कहते हे ब्रदर, मैं कहा यस सर, हाउ आर यू सर, पापा निकल ही नहीं रहा उनके लिए मुँह से, बट स्टिल मैम का बहुत अच्छा है, उन्होंने एक मदरली वो पूरा रखा है, सेट पे आती भी वो हमसे ऐसे ही मिलती हैं। और हम तीनों भाइयों ने भी अपनी बॉन्डिंग बनाने के लिए, जैसे कि हम यहाँ पे फ्लैट शेयर कर रहे हैं, 3 BHK हमने लिया हुआ है, हम साथ में ही रहते हैं, हम वहाँ पर पूरा वही सेम इन्वायरमेंट हमारा घर पे होता है, वही सेम इन्वायरमेंट हमारा सेट पे होता है, सो वो वाइब लेके ही हम सेट पे पहुँचते हैं। तो भाई आप सब भी तैयार हो जाइए बेदी परिवार की कहानी देखने के लिए, और नए सीरियल के साथ नया एंटरटेनमेंट देखने के लिए, जो आप देख सकते हैं 28 फरवरी से। चंडीगढ़ से अमित त्यागी और नुपुर मावची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।